आने दो गाइस इस बॉस को, इसको दिखाता हूं गाइस हमारे जो ना गाइस ग्रिफिन की पावर, ठीक है। हम फ्लाई रोडे का जो ना गाइस पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे यहां पे। ओके ये रहा, ये ले बेटा। ओए क्या, अरे यार मैं भूल गया, ओ शिट, लग गया मेरे नारिजी। अबे यार ये इसके इनके सामने मुड़ नहीं सकते। हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। अरे 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 यार ये मेरे, अरे भूखे नंगे डायनोस भाई आ गए भाई यहाँ पे फ्री का खाना खाने के लिए। मेरे फेस के नजदीक नाम है किसी भी तरह का, वो देखो आउल भी आ रहा है भाई। भाई तेरे को जिंदगी में कभी खाना नहीं मिला क्या मेरे भाई? इसलिए मैंने कहीं इनको पैसिव करके रखा हुआ था। अभी आपने देखा मैंने बस दो डायनोज मेरे बेस के सामने मारे, और जैसे ही गाइस मैंने उनको मारा ये सारे के सारे डायनोज उनको खाने के लिए आ गए। अच्छी बात है कि बाकी जो जितने डायनोज है ना उन सबको मैंने पैसिव करके रखा हुआ था तो वो नहीं आए। चलो इंट्रो मार लेते हैं, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। अरे यार ये लोग भी आ रहे थे क्या? ये लोग भी हिले तो थे यहाँ से, मतलब इनको भी मैंने पैसिव नहीं कर रखा हुआ है। ठीक है रुको, इनको मुझे यहाँ पे इसे घुमा के रखने दो, और इनको भी जो ना गाइस, अच्छा इनको रहने देता हूँ यार, क्योंकि पर समझ लो कभी बेस पे हमला वगैरह हुआ हमारे तो उस बेस को प्रोटेक्ट करने का काम एटलीस्ट गाइस ये पांडा जो है गाइस वो करेंगे। रुको इनको जो ना गाइस अच्छे से बाहर निकाल के रख देता हूँ, उसके बाद हम लोग हमारा आज का जो काम है वो शुरू कर देते हैं। बाकी जो भी नए बनते होंगे चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मेरी गाइस डेली काफी सारी वीडियोज आर्क मल्टीप्लेयर की आती रहती है, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलो गाइस करते आज के इस वाले एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के, और उल्टू तबाही मचा देते। पहले तो गाइस जो डायनोज यहाँ पे अपने जगह से हटे है ना उनको मैं वापस से अपने जगह पे डाल देता हूँ। ये अपना थानोस और ये हमारा एक्स बियाउल, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे क्या करने वाले, ठीक है। ये हमारा रेक्स यहाँ पे रह गया, और ये आ गया हमारा एक्स बियाउल, इसको भी यहाँ पे डालना है। रखो इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि मैंने इसको जो ना गाइस ऊपर ही रखा हुआ था, ठीक है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले हम लोग शाउट आउट देते हैं, जिनको बताने में बता दूं डेली जो है ना गाइस हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है, जो सबसे फर्स्ट आके गाइस यहाँ पे कमेंट करेगा गाइस उसको हम लोग दे रहे गाइस यहाँ पे शाउट आउट नेक्स्ट डे वाली वीडियोस में। तो हमारी कल वाली जो वीडियो थी गाइस गोरिल्ला वाली, जिसमें हमने गोरिल्लास को गाइस इवॉल्व करा था, उस वीडियो में सबसे पहले जो है गाइस यहाँ पे कमेंट करने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो थे रॉयल क्राउन। तो रॉयल क्राउन का जो गाइस कमेंट और यहाँ पे उनका जो नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो रॉयल क्राउन थैंक यू सो मच सबसे पहले आने के लिए एंड सबसे फर्स्ट कमेंट करने के लिए। इनका कमेंट है भाई हाँ जी सब बढ़िया, यस भाई एकदम बढ़िया, तुम बताओ रॉयल क्राउन कैसे हो तुम? हम तो एकदम बढ़िया है। बाकी अ बिग 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 शाउट आउट टू यू रॉयल क्राउन ब्रो, थैंक यू सबसे फर्स्ट आगे कमेंट करने के लिए। अगर आपको भी रॉयल क्राउन की तरह गाइस यहाँ पे शाउट आउट चाहिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो पे आओ कमेंट करो, आपको गाइस नेक्स्ट डे वाली वीडियो में मिल जाएगा रॉयल क्राउन की तरह शाउट आउट। तो चलो अभी गाइस आज के इस एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ पता है? पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आपको बताओगा हम लोग ना इस वाले डायरेक्शन में पहाड़ी पे गए थे अपने आउल को लेके। तो आउल को लेके गाइस जब मैं गया था ना तो मुझे वहां पे दिखा था सेलेस्टियल वाला जो है ना गाइस एक ग्रिफिन, और गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखो गाइस काफी टाइम हो गया यार हमारी जो ग्रिफिन की आर्मी है ना वो जैसे कि तैसी जो है ना गाइस यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखना भाई ये हमारी आर्मी जो है ना गाइस वो वैसी पड़ी हुई है, हम लोग ने इनको बिल्कुल भी जो ना गाइस मतलब बढ़ाया नहीं इस आर्मी को, ये इतनी सी छोटू सी भाई बन के पड़ी है हमारी ग्रिफिन आर्मी। और कमेंट में काफी सारी पब्लिक भी बोल रही है कि ग्रिफिन जो है गाइस उनकी एक आर्मी बनाओ, तो इसलिए गाइस पब्लिक डिमांड पे हम लोग जो है गाइस ग्रिफिन आर्मी बनाने का काम जो है वो आज से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और ग्रिफिन को नॉकआउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है? ये वाला जो गाइस आउल देख रहे हो, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें उस ग्रिफिन को इस आउल ने बस हवा में जो है गाइस देख के अपने नजरों से जो ना गाइस देख के नॉकआउट करा था। एक्चुअली में इसके पास एक एबिलिटी होती है, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको दिखा देता हूं, ये अगर किसी डायनो के नजदीक भी चला जाता है ना तो उस डायनो को ऑटोमेटिकली टॉर्पोर चढ़ना शुरू हो जाता है, ये देखो लाइक दिस, और वो डायनो ऑटोमेटिकली गाइस यहां पे बेहोश हो जाएगा। अगर हम लोग हमारी ये एबिलिटी यूज करेंगे ना तो टॉर्पोर ज्यादा चढ़ता है ना शायद से इस वाले एबिलिटी से, नहीं इससे टॉर्पोर तो डाउन होता है, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में यार उस ग्रिफिन को नॉकआउट तो करा था इस आउल से। तो आज जो ना किसी इस आउल को लेके जाएंगे उस ग्रिफिन के आजू बाजू ऐसे गोल 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 रिंगा रिंगा रोजेस घूमेंगे और उसको नॉकआउट करके टेम करके जो ना कि हम लोग यहाँ पे आने वाले। और एक मिनट रुको भाई मुझे जरा एक बार किबल देखने दो क्या है। हाँ आप बोलोगे वो ग्रिफिन भाई वापस से भाई यहाँ पे
वो हो गया क्या, उठ गया क्या तू? गाइस पिछले भाई एपिसोड में लाइट गई थी हमारी, तो गेम क्रैश हो गया, तो गेम थोड़ा पीछे आ चुका है, तो ग्रिफिन अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ है। और सिलेस्टियल किबल जो है वो काफी कम है मेरे पास। मैं ना इस वाले गाइस एक का डबल करने वाले, उसमें ना पहले सिलेस्टियल किबल को एक का डबल कर लेता हूँ, ठीक है? और जब तक हमारे सिलेस्टियल किबल गाइस यहाँ पे एक का डबल हो रहे हैं, मेरे इन्वेंटरी का जो सामान मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पे निकाल के रखा होता, जो कचरा था वो वापस से मेरे इन्वेंटरी में आ चुका है। मैं वापस से गाइस थोड़ा सा सामान ना अपने इन्वेंटरी से गाइस निकाल के, ओए ब्लू मिट डाल दिया मैंने, तो ये नहीं डालना यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब कुछ जो है गाइस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई जल्दी जल्दी। यार ओरिजिन वाले कितने ज़्यादा ट्रिब्यूट पड़े हुए मेरे पास, रुको ओरिजिन वाले ट्रिब्यूट भी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ओरिजिन ब्लड की कमी नहीं है यार। और ये जो आर्मर मिला था पिछले एपिसोड में, ये आर्मर भी गाइस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसकी भी हम लोग को अभी फिलहाल के लिए तो ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ब्लड वगैरह पड़ा है। चलो गाइस थोड़ी सी चीज़ें हम लोग ने हमारी थोड़ी इन्वेंट्री खाली कर दी है, और 56 इनफ रहेंगे केबल, 56 केबल लेते हैं और जल्दी से चल के जो है गाइस यहाँ पे टेम करके लेके आते हैं हमारे खतरनाक से जो है ना गाइस उस सेलेस्टियल ग्रिफिन को। और आप सोच रहे होंगे यार एक ग्रिफिन को टेम करने के लिए 56 केबल क्यों भाई तुमने लिए? तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे, रुको सबसे पहले मुझे ये आउल कहाँ गया, वो उस आउल को, अच्छा ये राहुल भाई, ठीक है इस आउल को लेके चलते हैं। और आज मैं जो ना गाइस कोई एक ग्रिफिन यहाँ पे नॉकआउट करके टेम करके लेके नहीं आने वाला हूँ। मुझे ना वहाँ पे 3-4 ग्रिफिन दिखे थे, उसमें से जो हाई लेवल वाले गाइस 2 या 3 मिनिमम, तो 2 ग्रिफिन मैं पकड़ के लाऊंगा, मैक्सिमम 3 ग्रिफिन जो है गाइस वो पकड़ के हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले। ये हमारा जो है ना गाइस आज का यहाँ पे प्लान है। मैंने एक यहाँ पे और एक आगे की तरफ ना ग्रिफिन दिखा था, और उसके आगे भी मैंने 2-3 ग्रिफिन देखे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम यहाँ पे बॉस सेंड करने के लिए आए थे। बाकी इसका जलवा देखना चाहोगे? अरे जा रे गया भाई, एक लाइटनिंग अटैक में ओरिजिन कारनो की बैंड बजाई है। बर्फ बनना है भाई तेरे को, ये ले बेटा कार्ड में। मेरे को जो मारने आएगा उसको बर्फ का पुतला बना के मारूंगा गाइस मैं यहां पे, बर्फ का पुतला बना के। चलो आ जाओ भाई आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते, बर्फ का पुतला बना के मारेंगे भाई इनको। ये ले बेटा, पीछे कुछ भी नहीं है, आगे चल दे गाइस, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहना है गाइस हमको, आगे बढ़ते रहना है। ये रहा हमारा ग्रिफिन गाइस, मैंने बोला था ये अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ है, इसको नॉकआउट करूंगा मैं, ठीक है कम ऑन। हुई हो रहा है इसको टॉर्पोर, देखो क्या चल रहा है यार। रुको गाइस मैं इसको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ ना, यहाँ पे ना थोड़े ड्रैगन शैगन है, देख रहा है गाइस कैसे टॉर्पोर चल रहा है। मैं तो इसको छुआ भी नहीं हूँ, मैंने इसको अभी तक छुआ भी नहीं है। रुक जा बेटा रुक जा, ये वाली एबिलिटी, हाँ ये देखना ये हो गया, बिना छुए डायनो को नॉकआउट करा है मैंने गाइस अपने हॉल से, भाई बिना छुए इस ग्रिफिन को नॉकआउट करा है। खतरा तो नहीं है ना, खतरा दिखाई तो नहीं दे रहा। फट से नीचे उतर के सट से इसके अंदर जो है ना गाइस किबल डाल के टेप कर लेता हूं। देख रहे हो गाइस हमारे आउल की पावर, आउल की पावर देख रहे हो बिना छुए गाइस। लेकिन इनका फूड डाउन नहीं हो रहा यार, ये प्रॉब्लम है ना। हाँ इनका फूड बार डाउन नहीं होगा, उसके लिए हमको टेमिल पर यूज करने पड़ेंगे, इनका फूड बार डाउन करने के लिए टेमिंग पोशन। ओए हो गया टेम भाई, लेट्स गो। अब बाहर इसको और भाई, हेलो रुक जा भाई, टॉर्पोर दिए जा रहे टेम होने के बावजूद गाइस, ये हमारा आउल उसको बेचारे को, ये देखो ये त्रुणी ड्रैगन मारने के लिए आया था लग रहा है गाइस मेरे आउल को, बेचारा बेहोश होके पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेट्स गो, अभी गाइस हम आगे चलते हैं, और आगे चल के ना जल्दी जल्दी से देखते हैं कि और कौन कौन से जो ना गाइस ग्रिफिन शिफिन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? मतलब हाई लेवल का होगा ना तो एक और ग्रिफिन में पकड़ूंगा, हमारी ग्रिफिन आर्मी जो है ना गाइस उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी यहाँ पे। ओए अर्जेंट है वैसे ये तो ग्रिफिन, ओए वहाँ पे ग्रिफिन है भाई, लेकिन ये तो गाइस फायर ग्रिफिन निकल गया, ये नहीं चाहिए, ये रहा सिलेस्टियल लेवल। अरे 92 नहीं गाइस, ओ वहाँ एक और है। अरे यार मतलब वो देखना भाई, मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो डायरेक्टली बेहोश होके नीचे गिर रहा है। अच्छा गोलेम को भी टॉर्पोर चढ़ेगा मेरे से, ओए गोलेम, गोलेम को नहीं यार, गोलेम को टॉर्पोर नहीं चढ़ रहा है गाइस, मुझे लगा गोलेम को भी चढ़ेगा करके, गोलेम को नहीं चढ़ रहा यार। ग्रिफिन ना काफी सारे है गाइस सिलेस्टियल वाले, मैंने इन्हीं ग्रिफिन को देखा था, बट इनके अगर आप लेवल देखोगे 60, 70, 80, 90 ये थोड़ी लेवल होती है मेरे भाई, नहीं यार ये काफी लो लेवल है। और जो भी ओरिजिन दिखेगा ना गाइस वो हमारे भाई आउल से ठुकेगा इस तरीके से, भाई लाइटनिंग वाला अटैक डाल डाल के मारूंगा, जो भी ओरिजिन दिखेगा गाइस उसको मैं अपने आउल से मारने वाला हूँ। बाकी मुझे ना गाइस यहाँ पे सिलेस्टियल वाले ग्रिफिन ढूंढने, अगर 140-145 लेवल का भी मिल गया ना एक हाथ सिलेस्टियल ग्रिफिन तो भी हम लोग उसको टेम करेंगे, बस मिल जाए यार। ये रहा कितने लेवल है भाई,
88 नहीं यार, 100 से नीचे लेवल है भाई। नहीं भाई ऐसे नहीं, भाई ऐसे नहीं, 88 लेवल नहीं। मुझे लग रहा है कि एक ही ग्रिफिन से हम लोग का यहाँ पे अभी हम लोग को जो ना संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ग्रिफिन यहाँ पे दिख नहीं रहे। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आपके कहने पे हम ग्रिफिन आर्मी बना रहे गाइस यहाँ पे, देखो यार। तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब दो बनता है फटाफट से, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग ने आने के चैनल को चेकआउट नहीं करा है तो जाइए चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आप लोग को जो है गाइस आर की और वीडियोज मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी गाइस आर की वीडियो मेरी आती रहती है एनी के चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और एनी मैडम जी डेली जो है ना फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, अगर आप फ्री फायर लवर हो तो वहाँ पे जाके आप फ्री फायर भी खेल सकते हो एनी मैडम जी के साथ। भाई ओरिजिन वाले कार्नो कितने मिल रहे हैं भाई? भाई जितने ग्रिफिन भी मेरे को मिले उतने तो भाई यहाँ पे ओरिजिन वाले कार्नो मिल गए गाइस। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है हम लोग को एक ग्रिफिन से जो है ना गाइस संतुष्ट रहना पड़ने वाला है। रॉक्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं बट लो लेवल के गाइस। कोई भी हाई लेवल का ग्रिफिन जो है ना गाइस यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, अगर नहीं मिला ना तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ से कल्टी मारते हैं, ठीक है। फिर हमको जो ग्रिफिन मिला है उसी के मैं आपको पावर दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस आ जाओ। और नहीं यार यहाँ पे भी ग्रिफिन नहीं है, ग्रिफिन्स तो मिले लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के मिले, उतने हाई लेवल के नहीं है, ठीक है। चलो निकल लेते। और गाइस ग्रिफिन को लेके आके ना आसमान से सिलेस्टियल वाले बम ना इस वाले गुफा में डालूंगा मैं वाइवरन वैली में। वाइवरन की गाइस हम लोग बुर्जी बना देंगे, चलो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं अभी घर पे। वाइवरन की जो ना गाइस बुर्जी बना देंगे मस्त वाली, मजे आएंगे गाइस मजे आएंगे। चलो मैं अभी यार आउल का काम खत्म हो चुका है तो आउल को जो है गाइस हम लोग रख देते हैं भाई अपनी लोकेशन पे, ठीक है। जहाँ से इसको निकाला था शांति से गाइस उसको वहीं पे रख देता हूँ। रुको पार्क करके अच्छे से रखना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सिलेस्टियल वाले ग्रिफिन को देखेंगे जिसकी 224 लेवल है, 150 लेवल का जो है गाइस हम लोग ने इसको टेम करा। इसकी क्यों हालत इतनी खराब है भाई, ठीक है। तो 150 लेवल का जो है गाइस हम लोग ने टेम करा था हमारा फर्स्ट सिलेस्टियल। ओए होए देखना तो गाइस, देखना भाई क्या जबरदस्त लग रहा है भाई हमारा ये सिलेस्टियल वाला ग्रिफिन, ठीक है। व्हाइट वाला जो कलर है ना वो भी भाई इसमें डार्क ब्लू है और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा मैं एक चीज करना चाहता हूँ गाइस, रुको मुझे एक चीज हिले तो नहीं ना कोई डायनो ने। मेरे पास ना एक पीक वाला ग्रिफिन का सैडल था, आपको पता होगा क्या वो ग्रिफिन का सैडल? अरे यार कहाँ पे चला गया? क्या वो ग्रिफिन का सैडल इसके ऊपर लगेगा गाइस? रुको मुझे देखने दो, मुझे ग्रिफिन का सैडल तो मिला इतना मेरे को पता है। वो सैडल ना मैं इसके ऊपर लगा के देखता हूँ, अगर लग गया ना तो इसको टेक वाला बढ़िया सा लुक आएगा बताए आपको। ग्रिफिन 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 ये रहा गाइस ग्रिफिन का टेक वाला आर्मर है ये। रुको गाइस ये फालतू कचरा जो इन्वेंटरी में ऐड हुआ है इसको हम फेंक दें। हाँ इसको भी फेंक दूँ। और जल्दी जल्दी से गाइस ये वाला जो आर्मर है वो लगा देता हूँ मैं सिलेस्टियल ग्रिफिन के ऊपर। इसके ऊपर बैठने के लिए सैडल की जरूरत नहीं होती वैसे। अरे यार ये लग ही नहीं रहा गाइस। ठीक है भाई एक काम करता हूँ, सिलेस्टियल वाला गाइस जो हमारा सैडल है ग्रिफिन का वही बना लेता हूँ, ठीक है। सिलेस्टियल है, सिलेस्टियल ग्रिफिन आर्मर, लेट्स गो बॉयज। तो सिलेस्टियल वाले ग्रिफिन का जो आर्मर है वो हम लोग ने बना लिया है, यही लगा देता हूँ। टेक वाला जो आर्मर है ग्रिफिन का वो तो लग नहीं रहा, ये आर्मर लग गया भाई यहाँ पे, तो ये लगा देते हैं। और चलो गाइस अभी सिलेस्टियल ग्रिफिन से तबाही मचाएंगे, बस इसका स्टैमिना ना जल्दी ड्रेन ना हो यार। मैंने जितने भी अभी तक सिलेस्टियल पकड़े ना उन सबका स्टैमिना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्रेन होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका भी वैसे कुछ हाल ना हो। वैसे यार बिना लेवल अप के 2 मिलियन का डैमेज जा रहा है गाइस इसका, बिना लेवल अप करे 2 मिलियन का डैमेज जा रहा है, काफी खतरनाक। मुझे लग रहा है 100 मिलियन ना क्रॉ, एक मिनट चलाया मैंने इसको, एक मिनट यहां से यहां स्टैमिना। हट यार क्या ग्रिफिन भाई क्या कर रहा है यार तू, यार इसके स्टैमिना का ना भाई सिलेस्टियल वाले जितने भी हम डायनो पकड़ रहे हैं ना समझ नहीं आ रहा उनके स्टैमिना का क्या सीन है। बहुत ज्यादा जल्दी गाइस इनका स्टैमिना जो है ना गाइस वो ड्रेन हो रहा है। ये रहा गाइस हमारा सिलेस्टियल ग्रिफिन, दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है वैसे। इसके मैं अभी आपको अटैक दिखा देता हूं। हाँ हो गया, स्टैमिना रिकवर हो गया तो अटैक दिखा सकता हूं। देखो इसके पास ये भाई यहां पे पंजे से मारने वाला एक अटैक है, उसके बाद मुंह से सिलेस्टियल फायर छोड़ने वाला अटैक है, और इस फायर की शायद से जमीन पे आग लग जाएगी ना इस फायर से। यस इस फायर से जो है कि जमीन पे आग लग जाएगी पूरे, ठीक है। तो ये वाला एक अटैक इसके पास से, सी पे जो है सिलेस्टियल वाले बॉम्ब फेंकने वाला अटैक है, क्या बॉम्ब? यस ये बॉम्ब जो है कि स्टंट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रेक्स वाले जो अटैक थे ना गाइस सिलेस्टियल वाले,
सेम वैसे ही गाइस ये बॉम्ब है। रेक्स वाले सिलेस्टियल के जो गाइस बॉम्ब थे और फिरॉक्स के जो फिरॉक्स ने सॉरी ग्रिफिन के जो बॉम्ब है ना वो दोनों के दोनों सेम है। अगर इसमें कोई भी फ्लायर इस तरीके से जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टन होकर जमीन पे गिर जाएगा। मतलब इस अटैक में कोई भी फ्लायर ना बिल्कुल भी कौन था ये अच्छा ब्लैकिडॉन। इस वाले अटैक में कोई भी फ्लायर जो है गाइस वो उड़ नहीं सकता है बॉस को छोड़ के, ठीक है हाई लेवल वाले। एंड उसके बाद और कोई अटैक इसके पास है और को एक बार देख लूँ नहीं गाइस इसके अलावा और कोई अटैक नहीं। एक तो इसका ये वाला अटैक है डाई बॉम्ब का, ठीक है, और इसके अलावा और कोई अटैक नहीं। डाई बॉम्ब वाले अटैक में ना इस वाले ग्रिफिन का बहुत ज़्यादा स्टैमिना बाय ड्रेन हो रहा है, ये देखो पता नहीं क्यों, ये लो खत्म स्टैमिना ड्रेन, सीधा जमीन पर क्रैश लैंडिंग कर ली इसने। अभी आप बोलोगे इसके स्टैमिना में पॉइंट डालो, लेकिन यार स्टैमिना में पॉइंट डाल दिए ना तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी बताएं, इसका जो हेल्थ और डैमेज है ना वो मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा, तो स्टैमिना में अभी फिलहाल के लिए तो पॉइंट नहीं डाल सकता हूँ मैं। देखता हूँ चलो स्टैमिना में कितना बढ़ रहा है, एक पॉइंट डाल के देखता हूँ भाई। दूसरा स्टैमिना बढ़ रहा है देखो, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये ग्रिफिन की मैं भाई आपको हालत दिखाता हूँ। अभी कितने पॉइंट डाले मैंने भाई 40 पॉइंट डाल दिए, तो 40 पॉइंट मैंने स्टैमिना में डाले बराबर। अभी आप बोलोगे ये ग्रिफिन तो भाई अभी बहुत ज़्यादा भाई टाइम तक जो है हवा में उड़ता फिरेगा, ये देखो हालत देखो ठीक है। ये गाइस मैंने मारे यहाँ पे डाई बॉम्ब, इसके कितने डाई बॉम्ब मारे गाइस गिन के 2 डाई बॉम्ब हो गए बराबर, ठीक है ये देखो अभी ये तीसरा डाई बॉम्ब है राइट, और इसका स्टैमिना ड्रेन 3 डाई बॉम्ब, ओनली 3 डाई बॉम्ब्स में हमारे इस ग्रिफिन का जो स्टैमिना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे खल्लास। ये गाइस यहाँ पे इस ग्रिफिन की भाई अभी फिलहाल के लिए हालत, मतलब यार इसके स्टैमिना में पॉइंट डाल के ना कोई फायदा नहीं है। चलो मैं इसको माइंड वाइप कर देता हूँ, ठीक है घर पे जाके मैं माइंड वाइप। अरे जाना भाई टेरर बट नॉर्मल वाला टेरर बट भाई उंगली करने के लिए आ रहा है फालतू में। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एफएम के वाला जो है गाइस माइंड वाइप, वो इसको खिला के जो स्टैमिना में पॉइंट डाले हैं वो हम लोग रिटर्न ले लेते हैं। ये रहा एफएम के माइंड वाइप, ये बना लेता हूँ एक और ग्रिफिन को खिला के इसके पॉइंट जो है गाइस वो हम लोग थोड़े से रिसेट कर लेते हैं। ज़्यादा स्टैमिना नहीं है तो सोच समझ के इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है पता चला बॉस फाइट के बीच में ही गाइस यहाँ पे इसका स्टैमिना खत्म। हेल्थ कितनी हो गई है 200 मिलियन और 217 मिलियन जो हेल्थ है ना गाइस मेरे हिसाब से इनफ है गाइस इसके लिए, ठीक है हम बेचारे की हालत देखो यार। चलो अभी एक काम करता हूँ, जितने भी बचे हुए पॉइंट है लगभग 76 पॉइंट बचे हुए थे वो सारे के सारे पॉइंट मैं अभी डाल रहा हूँ हमारे इस ग्रिफिन के मिली डैमेज में, ताकि इसका डैमेज जो है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला यहाँ पे जा सके, ठीक है भर भर के पॉइंट गाइस हम लोग इसके मिली डैमेज में डाल रहे हैं। इसकी मैक्स लेवल हो चुकी है, मैं आपको इसकी लेवल अब दिखा देता हूँ देखो, तो इसकी लेवल जो है गाइस वो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हो चुकी है 312, जो इसकी हेल्थ है वो है गाइस यहाँ पे 217 मिलियन। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस लेस्टिल वाले ग्रिफिन का जो है गाइस डैमेज, ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ भाई इसका डैमेज जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला जाए। कितना स्टैमिना तो बहुत घटिया है, डैमेज तो अच्छा जाए। ओए 200 मिलियन भाई गाइस, हेल्थ भी 200 और ऐसी बात है कि ये मैंने बिना पावर अप के दिखाया था आपको, रुको पावर अप के साथ दिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने पावर अप कर लिया है, पावर अप के साथ दिखाता हूँ डैमेज कितना है भाई। अबे यार 230 मिलियन का डैमेज जा रहा है, मतलब जितनी इसकी हेल्थ है लगभग नहीं एक डाई फॉर्म में भाई का स्टैमिना खत्म। मैं अभी जस्ट खुश हुआ ही था इसका डैमेज देखे यार, गाइस मैं जस्ट खुश हुआ ही था कि इसका डैमेज इतना ज्यादा, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसका स्टैमिना जीरो है, देखो सिर्फ पावर अप का ऑप्शन आ रहा है, बस करना बैठ जा मेरे भाई। अरे ग्रिफिन भाई जमीन पे बैठ जा मत मार उसको बग को मत मार यार, नहीं बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका स्टैमिना जीरो है। हाँ आ गया बैठ जमीन पे शांति से बैठ भाई। अरे यार मैं बस खुश हुआ ही था अभी यार कि हमारा जो ग्रिफिन है ना उसने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डैमेज दिया है, बट एक डाइव बॉम्ब ने इसने गाइस अपने औकात दिखा दी और सारा का सारा जो स्टैमिना है वो एक डाइव बॉम्ब में यहाँ पे टाटा बाय बाय गुड बाय। हट यार हाय रे हमारी फूटी किस्मत गाइस, सैड लाइफ गाइस अपनी। अब वैसे बेसिक अटैक जो है वो 37 मिलियन का पड़ रहा है, और एक और बात है गाइस जिसके स्टैमिना रिकवर होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा हल्लू हल्लू करके इसका स्टैमिना जो है गाइस वो यहाँ पे रिकवर हो रहा है। चलो कोई ना भाई आसमान की ऊंचाई पे उड़ता है, चलो लेट्स गो। अरे नहीं यार मैं अभी इसके पावर अप करके आपको डैमेज दिखा दूँ, देखो 150 मिलियन डैमेज तो ऐसे ही जा रहा है बराबर, पावर अप के साथ 223 मिलियन डैमेज और इसका स्टैमिना यहीं पर ख़त्म। स्टिमुलेंट खिला दूँ
स्टिमुलेंट भी काम नहीं आएगा मेरे हिसाब से भी। आप ये लो, खत्म भाई, स्टैमिना ही खत्म हो गया, मेरे हिसाब से स्टिमुलेंट भी काम नहीं आएगा। रुको, हमें यार इसको चलाने का ही नहीं मन कर रहा भाई मेरे को। डैमेज बढ़िया जा रहा है बट एक कदम आगे बढ़ने के बाद स्टैमिना खत्म हो रहा है इसका। क्या फालतू गिरी है भाई ग्रिफिन, क्या कर रहा है भाई तू? यार ये कैसा ग्रिफिन मिल गया मेरे को भाई, ये देखो पावर अप। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं डाई बॉम्ब यूज नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो स्टैमिना है वो डाई बॉम्ब में यूज हो रहा है, ठीक है? तो हम डाई बॉम्ब यूज नहीं करते, बिना डाई बॉम्ब के इसको चलाते हैं, ताकि एटलीस्ट थोड़े दूर तक तो ना ये उड़ सके और थोड़ा ज्यादा देर जो है गाइस इसका स्टैमिना जो यहाँ पे बच सके, ठीक है? चलो आ जाओ, अभी मैंने पावर अप कर दिया, स्टैमिना उतना ज्यादा डाउन नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि हम लोग डाई बॉम्ब यूज नहीं कर रहे। चलो अभी इसके दूसरे अटैक का डैमेज देखते हैं। डाई बॉम्ब का तो यार 200 मिलियन का डैमेज जा रहा है, और इसके दूसरे जो अटैक है उसका थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे डैमेज देखा जाए। फायर अटैक 6 मिलियन, नॉट डेड बैड गाइस, 6 मिलियन का डैमेज जा रहा है। सी वाला अटैक गाइस, ये मेन अटैक है इसका, 39 मिलियन का बर्निंग डैमेज दे रहा है गाइस इसका मेन अटैक, 39 मिलियन। मतलब गाइस यहाँ पे जो ओरिजिन विरिजिन है ना गाइस, छोटे बच्चे वो किसी काम के नहीं है, ठीक है? इसके सामने ओरिजिन कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुको। हम लोग सारे ओरिजिन को एक साथ बुला रहे और गाइस हमारे इस सिलेस्टियल ग्रिफिन से उन सारे ओरिजिन को हम लोग मारेंगे, ठीक है? जलवा देखना सिलेस्टियल ग्रिफिन का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एक बज गया यार, एक बज गया, एक बज गया, रुको एक बज गया, ये आखिरी 8वां। और हम डालेंगे अभी सिलेस्टियल बम, बम चीकी चीकी बम बम, सारे के सारे ओरिजिन मारे जा चुके इस कार्नो को छोड़ के। अच्छा कार्नो भी मरेगा, वो वाइब्रेंट भाई मेरे अटैक से बाहर है इसलिए अभी तक बचा हुआ। ये ले बेटा, ये ले, रुक रुक रुक, तेरे लिए खास भाई, ये खत्म, लेट्स गो बॉयज। यार ओरिजिन जो है गाइस वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, सारे ओरिजिन की लाश ही देखना गाइस यहां पे कैसी पड़ी हुई है। ये है गाइस हमारे सेलेस्टियल ग्रिफिन की पावर, बट इसकी एक ही यार चीज जो है मुझे खराब लगी वो इसका स्टैमिना। इसका स्टैमिना जो है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहा है भाई यहां पे। अगर इसका स्टैमिना बढ़िया होता ना तो मजे आ जाते, इससे हम लोग तगड़ी वाली बॉस फाइट भी ले सकते थे, बट अभी ना हम लोग गाइस बॉस फाइट वगैरह ले नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये कि बॉस फाइट लेने जाएंगे, पता चला 1 मिनट बॉस फाइट ली और इसका स्टैमिना भाई पूरा का पूरा यहाँ पे डाउन हो गया, और गाइस हम लोग फिर मर गए गाइस यहाँ पे फालतू में। तो इसलिए गाइस इससे बॉस फाइट नहीं ले सकते, लेकिन एक काम करता हूँ, रुको मेरे पास कौन से वाले बॉस ऐसे है गाइस, मेरे क्योस भी बॉस। अच्छा रुको, ये पहला कचरा मुझे फेंकने दो, मैं इटर्नल वाले बॉसेस से गई जाके थोड़ा सा। ये लो स्टैमिना खत्म, इसका स्टैमिना खत्म, मैंने कुछ करा भी नहीं अभी, ऐसे ही स्टैमिना खत्म हो गया इसका तो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर एक ट्रैकर डाल दो पहले ना, हेल्थ तो 200 मिलियन है तो ऐसी बात नहीं कि तुरंत ही मरेगा ये। हम ना ओरिजिन वाले प्राइमल फियर वाले जो बॉसेस है उनसे फाइट नहीं लेते हैं, हम अभी चलते सीधा इटर्नल बॉसेस से फाइट लेने के लिए, उनसे 1v1 करेंगे। आओ इटर्नल वाले बॉसेस के जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे भी बैंड बजाएंगे, मजा। ओए रिजरेक्टेड क्विज, वैसे रिजरेक्टेड वाले डायनोस को मारने से भी ना कभी कभी बॉस स्पॉन होते हैं, ठीक है? ये जो क्विजल वगैरह आप देख रहे हो रिजरेक्टेड वाले, ये आगे जाके हमको काम आएंगे एंड गेम के बाद। एंड गेम के बाद एक आखिरी बॉस बचता है जिसको हमको क्राफ्ट करना पड़ता है इन्हीं रिजरेक्टेड वाले डायनो से, तब काम आएंगे ये। चलो हार्ड मोड करना चाहिए क्या मुझे? यार डार्क स्टार हार्ड मोड वाला है, क्या लग रहा है गाइस ग्रिफिन संभाल पाएगा हार्ड मोड वाले इस डार्क स्टार को? चलो जो होगा देखा जाएगा, ग्रिफिन भाई मरना नहीं बस यार, अभी अभी ताजा ताजा टीम कराए तेरे को। ओके तो मैं क्या करूंगा बताए, मैं आसमान में, ये डार्क स्टार आ रहा है वो जमीन पे रहेगा, मैं आसमान से इसके ऊपर ले बम गिराते रहूंगा और इसकी बच जाएगी डायरेक्टली जो ना गाइस यहाँ पे बैंड, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, लेट्स गो भाई, बम चिकी चिकी बम बम भाई, हम लोग यहाँ पे गिराते रहेंगे इसको। आने दो गाइस, आने दो, हम आसमान में उड़ते ही रहेंगे, और स्टैमिना अगर खत्म हुआ ना तो किसी ऊंची जगह पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। आने दो गाइस इस बॉस को, इसको दिखाता हूँ गाइस हमारे जो ना गाइस ग्रिफिन की पावर, ठीक है? हम फ्लायर उड़े का जो ना गाइस पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे यहाँ पे। ओके ये रहा, ये ले बेटा। ओए क्या, अरे यार मैं भूल गया, ओ शिट लग गया मेरे, अबे यार ये इसके इनके सामने उड़ नहीं सकते, ओ शिट नहीं नहीं मरेगा ग्रिफिन, मर जाएगा गाइस। अबे यार 30 मिलियन डैमेज दे रहा मेरी खुद की भाई, 200 मिलियन हेल्थ है। अरे नहीं, अबे मेरा ये अटैक, अच्छा ये मैं तभी अटैक यूज कर सकता हूँ जब मैं हवा में उड़ रहा हूँ, वरना मैं अटैक यूज नहीं कर पाऊंगा अपना। बताए कौन सा, सी वाला स्टन वाला अटैक लग गया मेरे, क्या करूँ मैं? जब अभी ये जब ये रोर करेगा ना, जब ये रोर करेगा तो मैं कल्टी मारूंगा, रुको
रुको रुको भाई, रोर करना रोर करना रोर कर भाई, कहीं भी मारो यहाँ से भाई, मेरे कोड़ी लेडी फाइट। रुक भाई रुक, दूसरे डायनो को निकालता बाहर में, कौन है मेरे पास? बिगन ओवर लाइट, ये भी नहीं मार पाएगा इसको, सिलेस्टल वाला नहीं कोई, सिलेस्टल स्पाइन है। अबे जा रे भाई तू, आ मेरे पीछे पीछे, मैं तेरे को नहीं मिलेगा भाई, ये ले आ जा। हाँ बेटा बोलो बेटा, मस्ती न इसके पास भी, अरे यार उसके पास भी वो अटैक नहीं था बर्निंग डैमेज वाला, मुझे लगा स्पाइनो के पास अटैक होगा यार बर्निंग डैमेज वाला, उसके पास भी बर्निंग डैमेज अटैक नहीं था, फालतू में मारा गया। और मेरी ग्रिफिन का वो सीन है कि उसका जो बर्निंग डैमेज वाला अटैक है वो हम लोग उड़ उड़ के ही मार सकते हैं, जब हम जमीन पे गिर जाते क्रैश लैंडिंग करके तब उसका अटैक जो है गाइस वो वर्क नहीं करता, वरना ग्रिफिन उसको मार सकता था, स्टिल में हीलिंग पोशन पीपी के उसको मार देता, बट उसका अटैक जो है गाइस वही वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन चलो अच्छी बात है, हमारा सिलेस्टियल ग्रिफिन तो बच गया भाई। 39 मिलियन लगभग 40 मिलियन का डैमेज पड़ रहा था, 39 या 29 मिलियन पड़ रहा था कुछ तो डैमेज, इसकी हेल्थ जो है गाइस बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से डाउन हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई गाइस यहाँ पे जिंदा बच गया। ठीक है अभी गाइस हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रिफिन से भी और कुछ कर भी नहीं सकता ना गाइस, हम लोग अभी इस ग्रिफिन से ना कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ गाइस हमने जो वो लगा के रखा हुआ था श्राइन जिसके अंदर रिसोर्सेज कलेक्ट होने वाले थे, उसमें रिसोर्सेज कलेक्ट हुए कि नहीं। बाकी ये ग्रिफिन जो है ना इसको मैं ज़्यादा उड़ा नहीं सकता हूँ, मैंने गाइस यहाँ पे अच्छा डिमोनिक, चलो आ जाओ डिमोनिक रिपर शिपर से फाइट लूंगा, रुको पहले मुझे देखने दो कि श्राइन में किबल जो हमको चाहिए थे वो जमा हुए कि नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, 1 क्राफ्ट पर मिनट भाई, 1 क्राफ्ट पर 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ क्या अभी तक गाइस? हाँ क्या सीन है, ये सारे मिलके गेम वाले हमको पागल बना रहे हैं क्या? क्या लिखा है, पुट 6 गैसोलिन हीट टर्न ऑन इफेक्टेड बाय गैसोलिन क्राफ्ट स्पीड गैस आयन एंड कॉन्फ़िगरेशन 1 क्राफ्ट पर 10 मिनट। अच्छा तो फिर क्यों नहीं हो रहा है 10 मिनट भाई, 10 मिनट तो होके चले गए ना गाइस, कब के 6 फुट गिन के 6 डालू क्या, ऐसा कुछ सीन है। रुको इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ वापस से, ठीक है अभी तो मिलना चाहिए गाइस इसके अंदर, मैंने टर्न ऑन करा भाई, गिन के 6 पुट 6 गैसोलिन ना, मैंने 6 डाल दिया गैसोलिन। ठीक है देखते चलो अगले एपिसोड के एंडिंग तक जो है ना गाइस, यहाँ पे अगर कुछ मिला नहीं ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है फिर कुछ तो करना पड़ेगा, फिर समझ लेना कुछ तो ग्लिच हुई है भाई यहाँ पे। चलो अभी जल्दी जल्दी गाइस एक काम करता हूँ, ये ग्रिफिन को ना भाई ज़्यादा चलाने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा है जो है ना लो है, लेकिन फिर भी मैं इस ग्रिफिन से ओरिजिन को मार दिया, अभी मैं जो है ना कि चल के सिलेस्टियल और डिमोनिक बॉस को भी मारता हूँ और दोनों को एक साथ मारूंगा। ठीक है हमारा प्लान जो है गाइस वो हार्ड मोड वाले डार्क स्टार के अगेंस्ट फेल हो गया था, लेकिन डिमोनिक और इस सिलेस्टियल के अगेंस्ट जो है ना गाइस वो प्लान फेल नहीं होगा। हम डिमोनिक और सिलेस्टियल को बुलाते हैं, स्टैमिना कितना है मेरा, इनफ है। ठीक है पावर अप, अच्छा पावर अप नहीं कर सकता हूँ इन बॉसेस के सामने, हम पावर अप नहीं कर सकते। ठीक है इनको बुलाता हूं मैं और ऊपर बम का गोला डालूंगा, जमीन पे जाओ बस तुम, ये ले बेटा, ओए फेल दिया भाई, जमीन पे ये लोग टच कर पाए उससे पहले गाइस इनका गेम बच गया, जमीन पे गाइस ये लोग जो गाइस टच कर पाते उसके पहले टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए भाई ये लोग, मजे आ गए। हाँ मैं भी स्टन हो चुका हूँ, लेकिन इन लोग को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मारा। और ये देखना अभी मैं जमीन पे गिरा हुआ हूँ ना तो मैं अपना स्पेशल अटैक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है लेकिन जैसे ऊपर उठूंगा ये लोग इस तरीके से अटैक यूज कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे अटैक नहीं कर पाए थे उस हार्ड मोड वाले बॉस के अगेंस्ट। अगर ये अटैक वहां पे कर पाता ना तो हीलिंग पोशन पीपी के मैं बड़े आराम से बैटल जो है गाइस वो जीत जाता, ठीक है बट यार वैसे हो नहीं पाया। चलो कोई सीन नहीं है अभी जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं और हमारे ग्रिफिन को जो है ना गाइस वहाँ पे आराम से सजा के रख देते हैं। इस ग्रिफिन का हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं करने वाले, मैं सोच रहा था क्या पता है मैं ग्रिफिन की एक आर्मी बनाऊँ, बट अभी गाइस वो प्लान जो है वो थोड़ा सा हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है रीज़न आपको पता चल ही गया होगा क्यों, ठीक है वो प्लान कैंसिल कर रहे हैं, हम ग्रिफिन की आर्मी नहीं बना रहे, एक ग्रिफिन हमारे पास आ चुका है वो इनफ है, कि और स्पिरिट वाले ग्रिफिन जो होंगे ना उनकी आर्मी ज़रूर बनाएंगे। ठीक है
वो भाई काफी ज्यादा तबाही मचाएंगे यहाँ पे। चलो तो फिर आज का ये वाला एपिसोड जो है गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे जो है ना गाइस प्यारे प्यारे से ग्रिफिन को टेम करने के साथ ही ग्रिफिन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं निकला, डैमेज वगैरह सब ठीक है, एकदम बढ़िया है, बट इसका स्टैमिना जो है ना गाइस उसने भाई यहाँ पे ग्रिफिन की बैंड बजा दी। अगर इसका स्टैमिना बढ़िया होता ना तो मजे आ जाते हैं। स्टैमिना तुरंत भाई यहाँ पे ड्रेन हो रहा है उसका, इसलिए जो ना गाइस मूड थोड़ा सा खराब हो गया है उस ग्रिफिन को टेम करके। लेकिन कोई ना, आप बताना आपको ग्रिफिन कैसे लगा और हमारे प्यारे प्यारे से ग्रिफिन के लिए बढ़िया बढ़िया से नाम जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। बाकी आज का हमारा जो एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क प्रोमल फियर प्लस गाइस आर्क इटर्नल का, वो हो जाता है ये पे खत्म। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय, वेरी बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय गाइस। Late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.